करो 90.2 ट्यून करो 90.2 तुसी सुन रहे हो दिल दियां गल्ला आरजी आदि दिनाल। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। पंजाब 90.2 इट्स मी और से आदि यानी आरजी आदि, और बड़ी ही पंचुअलता के साथ, सहजता के साथ हमारे साथ मौजूद हैं बड़े ही खास शख्स। किदा हालचाल फारूक जी, किदा हालचाल जी? बिल्कुल ठीक ठाक, तुसी सुनाओ? मैं बहुत अच्छा। अच्छा, फजीला आंटी से आपने बातचीत कर ली थी उस समय की? नहीं, ये बात है 1999 कंप्यूटर के दौरान की। फजीला आंटी के पास ईमेल एड्रेस नहीं था तो आई कुडंट कांटेक्ट हर, पर मुझे उस बच्ची ने उनका होम एड्रेस जरूर बता दिया था। तो शुरुआत इसी कहानी से करना चाहूंगा मैं, और मजीद बातें हम बाद में करेंगे। तो ये कहानी क्या है? तो ये दिस इज लाइक अर्ली 1999, जब इंटरनेट वाज अ न्यू थिंग रिलेटिवली ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मैं इतना ब्लेस्ड था कि मेरे फादर ने हमारे घर में एक इन्वेस्टमेंट करके कंप्यूटर ला के रखा और उसमें इंटरनेट कनेक्शन लगवाया, तो कि उनके बच्चे पढ़ सकें, जिंदगी दुनिया देख सकें। क्योंकि देखो, जब आप पाकिस्तान में बड़े होते हो तो आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज। नॉट, मैं इंडिया से भी कंपेयर नहीं करूंगा, उस वक्त इंडिया वॉज ऑल्सो नॉट एज फार अहेड एज इट इज नाउ। तो कंपेयर टू अदर मोर एस्टैब्लिश्ड कंट्रीज बैक देन, वो अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है। तो आई थिंक मेरे डैड ने काफी आगे सोचा इस बारे में कि एटलीस्ट मैं ज्यादा नहीं कर सकता अपने बच्चों के लिए, मेरी अपनी इतनी पोजिशन नहीं है, तो आई कैन डू दिस एटलीस्ट। सो ही डिड दिस फॉर अस एंड ही गॉट मी अ कंप्यूटर एंड आई यूज्ड टू यूज दैट कंप्यूटर एंड दैट यूज्ड टू फैसिनेट एवरीबॉडी इन माई नेबरहुड। पूरे नेबरहुड में सिर्फ मैं एकलौता इंसान था जिसके पास लोग आते थे कि प्रिंटिंग कैसे होती है, स्कैन क्या होता है, क्या मतलब ये असली चीज मैं कंप्यूटर में डाल सकता हूँ स्कैनर के जरिए, ऐसा हो सकता है? मुझे याद है स्कैनर वाज लाइक अ माइंड ब्लोइंग थिंग फॉर पीपल, इट वुड ब्लो पीपल्स माइंड अवे कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये मेरा रिपोर्ट है, स्कूल की रिपोर्ट है, ये तुम कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाएगी एग्जैक्टली जैसी है वैसी आ जाएगी, और तुम लिखोगे कुछ नहीं, डालोगे कुछ नहीं, बस तुम ऐसे रखोगे और वो ऐसे करके आ जाएगी। तो दीज लिटिल थिंग्स रियली ब्लू पीपल्स माइंड। सो सेम गोज फॉर चैटिंग, जब किसी ने मुझे चैट करते हुए देखा, उस बच्ची ने खासतौर पर जब मुझे देखा कि मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, फिर वहां से एक मैसेज रिप्लाई आ रहा है, फिर मैं एक रिप्लाई भेज रहा हूँ, तो इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल फॉर हर, ये कैसे हो सकता है, क्या आप किसी से बात कर रहे हो? हाँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ। और वो उस वक्त मैं बात भी, आई थिंक लाहौर में मेरी एक दोस्त बनी थी, उससे मैं बात कर रहा था उस वक्त। अच्छा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट्स वेरी ओल्ड स्टोरी, सो आई डोंट रियली रिमेंबर द डिटेल्स प्रॉपर्ली, बट आई एम प्रीटी श्योर इट वाज, या लाहौर की दोस्त थी मेरी, पेन पैल, उस जमाने में हम कहते थे पेन पैल्स। ओके जी, जैसे कि मैंने बताया कि यह तो एक जिंदगी का पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। सो यू आर डूइंग यूट्यूब राइट, और यूट्यूब से तमाम चीजें आपने सीखी, जानी पहचानी, कंटेंट पे काम किया, और देन यू आर अ स्टार नाउ, है ना? तभी ये सिर्फ एक पन्ना है जिंदगी का, पूरी किताब लिखनी अभी बाकी है, आप और तमाम चीजें भी करेंगे, बहुत कुछ अचीव भी करेंगे। तो फारूक, पहले तो फारूक और फारूक फारूक, ये जो नाम की कंफ्यूजन आई है मैं जानना चाहूंगा, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर जब हमारी कॉल पे बात हुई थी तब आपने बोला था कि मैं आपको प्रोनंसिएशन जरूर सिखाऊंगा। जी, सो ये एक मेरी जिंदगी का प्रॉब्लम रह चुका है कि मेरा नाम जो है वो आज तक लोग सही बोल नहीं पाए। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, मेरा फोन बजे जा रहा है, आई थिंक मेरा नंबर किसी को मिल गया, इट जस्ट हैपेंस समटाइम्स, सॉरी अबाउट दैट। तो या मेरा नाम और उसकी स्टोरी, तो मेरा नाम वैसे यूनिक है इवन इन माय ओन कल्चर। अब 20 साल बाद, 30 साल बाद, अब ऑब्वियसली देयर आर मोर फारूक्स आउट देयर। जब मैं छोटा था और मैं स्कूल में था, मेरे स्कूल में 2,500 बच्चे थे और उनमें से सिर्फ दो फारूक थे जिनको मैं जानता था कम से कम, और मैं स्कूल में सबको जानता था, एक मैं था और दो और थे, मतलब तीन टोटल। अच्छा, और तो वो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी टू, के यू नो देयर आर टू अदर फारूक्स, क्योंकि मैंने कभी किसी फारूक से मिला नहीं था। तो लोग अक्सर उसको फारूक समझते हैं, जो कि बहुत कॉमन नाम है। फारूक की स्पेलिंग है एफ ए आर ओ ओ क्यू, क्योंकि वो फारूक है इसमें, इसके एंड में क, क इज अ अरबिक पर्शियन वर्ड, क नॉट क, अल कम्स फ्रॉम द एपिग्लॉटिस सॉर्ट ऑफ। और फर्रुख जो है वो उसके अंदर एक ख का एलिमेंट है, जो कि पश्तो, पर्शियन और अरबिक मिक्सचर, एक जो जितना मुझे पता है, माइट बी नॉट करेक्ट अबाउट दिस, मुझे जितना पता है उसके हिसाब से। तो मेरे नाम की प्रोनंसिएशन जो है वो अगर आप शाहरुख से मिलाएं तो आपको काफी आसान होगा बोलना, फर्रुख शाहरुख, शाह का शाह खिंच रहा है, मेरा फा नहीं खिंच रहा, मेरा फा छोटा है, फर्रुख, फर्रुख, या देयर यू गो, ओके, थैंक गॉड मुझे ये आ गया। अच्छा फर्रुख, हर इंसान की कहानी होती है राइट,
और बड़ी सहजता पंचुअलता के साथ आप यहाँ पर आए राइट ऑन द टाइम। तो आपकी कहानी आपकी जुबानी में सुनना चाहूंगा, कैसे जद्दोजहद को संभाला एंड कब शुरुआत की यूट्यूब की? यार यूट्यूब की शुरुआत तो जब हुई जब मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया। जब मैं पाकिस्तान में बड़ा हो रहा था उस वक्त यूट्यूब वहां पे मेरी बैड लक थी कि यूट्यूब शुरू ही हुआ था और उसके बाद वो ब्लास्फेमी वाला चक्कर पूरा हुआ था। किसी नॉर्वे में किसी आदमी ने कोई वीडियो बनाई थी जिसमें उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती की थी, बेदबी की थी, तो उसकी वजह से पाकिस्तान में यूट्यूब बैन कर दिया गया था। जो कि लॉजिक समझ में नहीं आता बट आई गेस इट्स ओके, क्योंकि यू नो अब अगर आप किसी के सेंटिमेंट हर्ट करो तो इट मेक्स सेंस कि वो इससे पहले कि पाकिस्तान के अंदर मसले खड़े हो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि बैन ही कर दो दूर ही कर दो कि टेंशन से डील ही ना करना पड़े। अभी कौन समझाए लोगों को, कौन बैठ के समझाए कि भाई वो अगर वहां पे कुछ कर रहा है तो उससे हमारा क्या लेना देना, उसको वहां पे जो कर रहा है उसकी उसकी अपनी वो है आखिरत है, उसकी अपनी जिंदगी है। बट उसकी वजह से पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो गया एंड आई नेवर रियली गॉट टू अंडरस्टैंड हाउ यूट्यूब वर्क्स और व्हाट टू डू ऑन यूट्यूब। बट आई केप्ट मेकिंग वीडियोस, मी एंड माय फ्रेंड्स वी केप्ट मेकिंग वीडियोस इन पाकिस्तान। हम वीडियोस अपने लिए बनाते थे, अपनी तफरी के लिए, अपने आप को दोस्तों को दिखाने के लिए। तो हाँ, तो वीडियोस मैं बनाता रहता था जस्ट फॉर माय ओन प्लेजर, जस्ट फॉर माय ओन फन, दोस्तों के साथ व्लॉगिंग करता था मैं, जो कि मुझे अब जाके पता चला कि दोज वर व्लॉग्स दैट आई वाज मेकिंग। उस वक्त तो हम बस अपनी डेली लाइफ रिकॉर्ड कर होते थे, अपनी जो छोटी छोटी मस्तियां चल रही हैं, छोटे छोटे मजाक और चुटकुले जो चल रहे हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया, किसी दोस्त के साथ कुछ हो गया मसला तो वो रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसको उन सबको एडिट करके एक छोटा सा पैकेज बना के एक दूसरे के साथ शेयर कर दिया ईमेल पे और याहू पे और इस तरह पे। तो उस वक्त तो नहीं पता था कि वो व्लॉग्स हैं, बट दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इन द बिगिनिंग। दिस इज 19 नॉट इवन 19, दिस इज 2002 2003। ओके, या उस जमाने की बात है। और फिर उसके बाद जन्म ले रहा था तुम जन्म ले रहे थे उस वक्त। हाँ यार, मुझे डेट ज्यादा बतानी नहीं चाहिए, लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मेरी उम्र क्या है उसकी वजह से। बट इट्स फाइन मैन, देयर इज नो पॉइंट इन हाइडिंग योर एज, यू नो योर एज इज व्हाट मेक्स यू। सो या उसके बाद फिर मैं यू नो वीडियो से हट गया था क्योंकि उसमें फ्यूचर एज सच नजर नहीं आता था। जस्ट बिकॉज सिर्फ एक चीज की वजह से, वो यूट्यूब के, यूट्यूब नहीं है आपकी कंट्री में तो आपको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा वीडियो बेसिस में। इट वाज सो सैड, अनलेस यू आर अ रिच पर्सन और विद समबडी विद कनेक्शंस आप शॉर्ट फिल्म्स बना के बेच सकते हो, वरना आपका कोई ऐसा स्कोप नहीं है सच। तो उसके बाद फिर हम गेमिंग में लग गए थे, गेमर बनने का शौक बन गया था। अच्छा। प्रोफेशनल गेमिंग स्टार्ट कर दी थी। अपने लोकल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे वी वर डूइंग गुड। मैं प्रोफेशनल टीम का पार्ट बन गया था, एक पहले सब्स्टिट्यूट बना था फिर मेन मेंबर बन गया था टीम का। टीम का नाम था साइनाइड, इफ एनी गेमर्स आर वाचिंग। वो हुआ 2-3 साल तक वो चला, उसके बाद गेमिंग में भी ऐसा फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था क्योंकि जस्ट ओवरऑल कंडीशंस वरंट गुड व्हेन इट कम्स टू गेमिंग इन पाकिस्तान। एंड देन यू नो सिमिलर टू प्रीटी मच एवरी किड इन आवर देसी कल्चर, गो टू कॉलेज, स्टडी हार्ड, गो टू यूनिवर्सिटी, गेट अ डिग्री and basically try to get out of the country, you know, to find a better life. बिल्कुल। और that's what brought me to America. Wow. और अगर मैं बात करूँ 5 साल के फरुख की, कैसा बच्चा था वो, बचपन कैसा रहा, स्टडीज में कैसे रहे हैं आप, शरारतें कैसे की हैं? Because I can assume आप बहुत शरारती बच्चे रहे होंगे, बहुत ज़्यादा शरारती। हाँ यार देखो, मेरी गलती नहीं है इसमें, अल्लाह ने मुझे जैसा दिमाग दिया है मैं उसके हिसाब से काम करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको किसी पे किसी से शिकायत करनी है तो आप अल्लाह में से शिकायत कर सकते हैं, वो डील करेंगे उससे। पर जहां तक मेरी बात है, देखो मेरा दिमाग, मुझे अब बड़ा होकर मैं जब सोचता हूँ अपने बचपन के बारे में तो मुझे ख्याल आता है कि मेरा दिमाग बहुत फ्लूइड दिमाग था और अभी भी है। फ्लूइड से मुराद कि मैंने अगर एक चीज सीख ली ना तो मैं उस सीखी हुई चीज पे बार बार उसी को फॉलो नहीं करूंगा, मेरा दिमाग उस तरह चलता नहीं है। अगर मैंने एक चीज सीख ली है तो मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज सीखी हुई चीज के अंदर मैं और कैसे नए रास्ते ढूंढ सकता हूँ, नई चीजें ऐड कर सकता हूँ उसके अंदर। This is how my brain works. My brain is very fluid. It goes from one place to another, thinking about this place to another place. और बचपन में भी मेरे ख्याल से मेरा character इसी तरह का था। मेरी neighbor आंटी मुझे कहती थी कि ये बहुत लड़ाका है, ये बहुत मारता है मेरे बेटे को। और मैं बिल्कुल violent नहीं था। I was actually one of the kids who got bullied in school. मैं स्कूल में बहुत बुली हुआ हूँ, अप अंटिल 8 से 9 grade तक की लेवल तक मुझे बहुत बुली किया जाता था। बहुत तो नहीं, but like I was one of the kids who get bullied, not who bully other kids. वो 10th के बाद फिर अचानक से पता नहीं क्या मुझ में आया कि मैं फिर उस वाली साइड पे चला गया था कुछ अरसे के लिए। I became the bully even. I'm not gonna hide that fact कि मैं उस तरह का बच्चा बन गया था जो दूसरों को बुली करता था अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए। फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो भी फेज मेरा खत्म हो गया, मुझे इतनी अकल आ गई कि
ये भी कोई तरीका नहीं है जीने का, ये भी अपने आप को अच्छा फील कराने का ये कोई तरीका नहीं है, इससे तुम्हें क्या मिलेगा, आगे जाके सिर्फ रिग्रेट्स होंगे। और मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ बहुत सारी चीजें जो मैंने की हैं, आज तक सोचता हूँ और बुरा फील करता हूँ उनके बारे में। कोई बचपन की शरारत आप शेयर करना चाहेंगे फारूक, कोई फनी आज तक दिमाग से नहीं निकल पाई? तो यार एक इंसिडेंट है जो मैंने किया था और मैं आज तक सोचता हूँ कि यार तू कितना शैतान था यार उस वक्त। तो मैं बहुत यंग था, 5 साल का तो नहीं, मैं 10-11 साल का हूँगा उस वक्त। अच्छा। और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे बहुत काफी स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई के बारे में शुरू में, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग दे वर लाइक जस्ट फोकस ऑन स्टडीज, स्टडीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं बहुत, एज आई टोल्ड यू, मेरा माइंड बहुत फ्लूइड माइंड था, इट वुड गो फ्रॉम हियर टू देयर। मैं स्टडीज के साथ मैं आइडियाज भी सोच रहा था और मैं इन्वेंशन बनाने की भी सोच रहा था। मैं सोच रहा था घर का ये पंखा है, इसको खोल के देखूं इसके अंदर क्या है, मोटर कैसे चलती है। तो मेरा माइंड बहुत क्यूरियस था शुरू से। तो एक दफा मेरे डैड ने मुझे धमकी दी थी डराने के लिए कि निकाल दूंगा मैं तुझे घर से, अगर तू घर से बाहर जाने की कोशिश करेगा बाबा, स्टे एट होम एंड स्टडी। हर वक्त बाहर जाने का तुझे क्यों वो चला रहता है, प्ले टाइम है आपका, शाम में आप जाके प्ले टाइम करके आ गए, 3 घंटे आपने बाहर क्रिकेट खेल ली, छुपन छुपाई खेल ली, जो भी कर लिया, अब आप घर पे आ जाओ, वापस घर का टाइम है अब। बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो आउट, डू मोर थिंग्स आउटसाइड। तो एक दिन उन्होंने मुझे डराने के लिए मुझे घर करके दरवाजे के बाहर खड़ा किया और दरवाजा बंद कर दिया और पीछे दरवाजे के खड़े होकर वेट कर रहे थे कि देखता हूँ क्या करता है। तो मैं इंस्टेड ऑफ क्राइंग और इंस्टेड ऑफ बॉय गोइंग कि नहीं मुझे अंदर आने दो या इस तरह करने की जगह, मैंने अपनी, क्योंकि हम क्रिकेट खेलते थे पाकिस्तान में, कराची में, आई डोंट नो इंडिया में अगर ये अभी तक है या पहले होता था, कि पाकिस्तान में जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आप बॉल पे एक टेप चढ़ाते हो, इट्स अ स्कॉच टेप सॉर्ट ऑफ अ थिंग, इलेक्ट्रिक टेप जिसको कहते हैं। तो हम वो टेप चढ़ाते थे बॉल पे क्योंकि उससे बॉल थोड़ी स्पीड में ज्यादा तेज जाती है, थोड़ी स्विंग आता है उसमें और उसमें इट्स बेटर टू प्ले विद दैट। ओके, इट फील्स मोर लाइक हार्ड बॉल क्रिकेट आल्सो, एक वाइब आती है वाली। तो हर बच्चे की जेब में टेप बॉल होता ही था हर वक्त उस वक्त प्रीटी मच। तो मैंने अपना टेप निकाला और मैंने अपने घर की दरवाजे की जो डोर बेल है उसको बजाया ऐसे करके, उस पर टेप लगाया और मैं चला गया अपने दोस्त के घर पे। और मेरे अब्बा जो अंदर घर के बेचारे दरवाजे के एकदम पीछे खड़े हो गए, सोच रहे थे कि मेरा बच्चा बाहर खड़ा हुआ है। उनको यही लगता रहा कि मैं जो हूँ बाहर बेल बजा रहा हूँ, कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि नहीं नहीं सॉरी मुझे अंदर आने दे, मुझे सॉरी अंदर आने दे। बट ऐसा नहीं था, मैं जा चुका था उस वक्त, मैं अपने दोस्त के घर चला गया था और फिर मैं लेटर ऑन बाद में वापस घर आया जब तक बाहर से टेप हट चुकी थी, सब हट चुका था। तो आई फील लाइक दिस इज वन ऑफ द शरारती मोमेंट्स जो मुझे अपना याद है बचपन का, जो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ किया था, जो कि बहुत हिम्मत चाहिए होती है जिसके लिए। बिल्कुल, इट्स नॉट इजी टू प्रैंक योर पेरेंट्स बिकॉज दैट कैन गेट सीरियस, चप्पल उड़ती भी आ सकती है कभी भी। बिल्कुल, तो या दैट्स एक ये शरारत है जी। तो आप एक एक्टिव स्टूडेंट भी रहे हैं जिसने लोगों को बाद में बुली भी किया और खुद पैसिव भी रहे हैं जो खुद बुलीड भी रहा, राइट, जिसको किया भी गया। तो अभी कैसा स्टूडेंट है फारूक, अभी कैसा बच्चा है, अभी कैसा इंसान है, क्योंकि बच्चा दिल में हमेशा अभी है। जो बात है, आज मैं अपने 8-9-10 साल वाले कैरेक्टर से ज्यादा रिलेट करता हूँ कंपेयर टू माय ओन एज, व्हिच माइट साउंड अ लिटिल ऑड, बट आई थिंक इट्स गुड फॉर मी गिविंग माय फील्ड ऑफ वर्क। जिस तरह का काम मैं करता हूँ, देखने को तो वो सिर्फ रिएक्शन वीडियोस है जो मैं देख रहा हूँ और बस उनको लोग देख रहे हैं मुझे देखते हुए, पर मैं उसमें खुद कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी वैल्यू जितनी ऐड कर सकूँ करूँ। अगर आप दूसरे रिएक्शन चैनल्स को देख के मेरे रिएक्शन चैनल को भी उसी लाइट में डाल देंगे तो आई थिंक दैट्स अ लिटिल बिट अनफेयर, क्योंकि इवन दो मेरा चैनल का नाम रिएक्शन है, इट्स नॉट रियली जस्ट रिएक्शन, इट्स मेनली रिव्यूज। मेरा शौक शुरू से रहा है रिव्यू करने का चीजों को, कि एक चीज जो हो गई उसको देख के ये देखना कि उसमें सही क्या है और गलत क्या है, क्या ऐड हो सकता है, क्या रिमूव हो सकता है। ये हमेशा से मेरे अंदर एक सासू माँ वाली मेंटालिटी रही है कि चाय अच्छी तो थी पर चीनी थोड़ी ज्यादा हो सकती थी, दूध थोड़ा कम हो सकता था, चाय मजे की तो बहुत है मैं पी पूरी रहा हूँ पर इसमें ये हो सकता था, उसमें हो सकता था। तो ये चुल निकालने की आदत शुरू से थी मुझमें, तो आई थिंक उससे मैं अब ज्यादा कनेक्ट होता हूँ। आज का फर्रुख जो है वो बहुत एंटी बुली है। मैं आई सी बुलिंग एंड आई, मेरा दिमाग का स्क्रू लूज होना शुरू हो जाता है, मैं बुली मोड में जाना शुरू हो जाता हूँ कि मुझे इस बुली को बुली करना है, जो कि गलत है, वो भी गलत है। जालिम पे भी जुल्म करना मेरी नजर में गलत है, जालिम को रोकना सही है, जालिम को रोकना बिल्कुल हक की बात है, रोको उसको, उसमें जुल्म ना करो, क्योंकि अगर तुमने जुल्म किया तो फिर तुम में उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब कि एहसास भी है चीजों का जो आप करते हैं, राइट? या बहुत सही है, जैसे कि आपने बताया कि नुक्ताचीनी करने की आपकी आदत है और इससे मैं बहुत रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी ऐसा सही हूँ कुछ। मुझे आज भी याद है मेरे प्रोमो प्रोड्यूसर अमित जी नाम है उनका, वो देसी घी का लड्डू खा रहे थे,
तो वो किसी ने गिफ्ट किया था, 15 अगस्त की बात आई बिलीव, राइट? तो आते हैं लड्डू एंड बहुत स्वाद लड्डू, वो कहते हैं कि बड़ा स्वाद लड्डू. मैं कह नहीं नहीं देसी घी में कुछ मिलावट है और ये उबड़ खाबड़ भी कुछ है इसमें. दे आर लाइक तू तो कभी सुधरेगा नहीं, कुछ भी खाना उसके बावजूद खा मैं रहा हूँ, लेकिन इसमें ये चीज यार इसमें ये भी तो हो कुछ सकता कमी थी उसमें. यस, कुछ तो कमी थी, है ना. तो फारूक ये जो रिव्यू करने की ताकत है ना, वो हर किसी में नहीं होती. मैं तो इसको अपनी ताकत मानता हूँ, बाकी मुझे लोगों का नहीं पता. Yeah. तो आप लोगों को कैसे रिव्यू करते हैं, राइट? वी ऑलवेज से वी डोंट जज पीपल, बट इट्स वेरी ट्रू कि हम हमेशा एक थॉट तो लेकर आते हैं मन में, एक बार तो सोचते हैं कि यार ये इंसान ऐसा होगा ऐसा नहीं. तो आप लोगों का रिव्यू कैसे करते हैं? बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है. अपने आप को बहुत सेंसर करना पड़ता है, अपने आप को बहुत चेक करना पड़ता है बार बार. तू जो ये सोच रहा है, क्या तू ये सही सोच रहा है? क्या ये सोच तेरी इस वजह से है कि तूने कुछ बचपन में एक्सपीरियंस किया था, या इस वजह से कि तूने आज एक चीज देखी है? तो ये लोगों को जज करने में, कंटेंट नहीं, लोगों को जज करने में नंबर वन रूल मेरा जो है वो ये है कि सेल्फ चेक सबसे पहले. अपने कीप योर सेल्फ इन चेक कि तुम जो सोच रहे हो वो सोच आ कहां से रही है, उसके उसका कीड़ा जो इजाद जो पैदा हुआ है वो कहां से हुआ है. उसको अगर आप समझ लो तो आपको फिर अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं जो जज कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ. और आई फील लाइक जजिंग समबडी इज ऑल्सो मिसरिप्रेजेंटेड इन अ वे कि जज तो यार हम सब एक दूसरे को करते हैं. बिल्कुल. जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मेरे घर के बाहर अगर एक बंदा खड़ा हुआ है, एकदम मेरे दरवाजे के बाहर एक बंदा खड़ा हुआ है, तो उसके हुलिये पे, उसके एक्सप्रेशन पे, उसके बालों पे, उसके 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 चेहरे पे जो जो चीजें मुझे नजर आएंगी उसके हिसाब से मैं उसको उस माइक्रो सेकंड में जज कर चुका हूँ ऑलरेडी कि इस वक्त मैं खतरे में हूँ या नहीं हूँ. अगर आप घर का दरवाजा खोलेंगे, सामने एक बड़ा सा बंदा खड़ा हुआ है, आपको उसी वक्त आपका दिमाग जज कर लेगा कि तुम खतरे में हो कि नहीं हो. सबसे पहली जजमेंट ये हो गई आपकी कि आर यू इन डेंजर और नॉट, इज दिस समबडी हू इज ट्राइंग टू लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट? तो जजमेंट तो हर कोई करता है यार. जजमेंट तो नेचुरल चीज है जो आएगी अंदर से, कोई नहीं रोक सकते आप नहीं रोक सकते. व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड स्टॉप इज योर एक्शंस बेस्ड ऑन दोस जजमेंट्स. बिल्कुल बिल्कुल सही. तो लोग जब कहते हैं ना कि डोंट जज अदर पीपल, दैट्स बुलशिट इन माय ओपिनियन. ऑफ कोर्स यू आर गोना जज, आप यू कैंट हेल्प इट, इट्स अ सबकॉन्शियस फंक्शन. जजमेंट तो होगी, उन जजमेंट्स पे एक्ट करने से पहले सोचो 10 दफा कि मुझे लग रहा है ये बंदा फिशी सा है, ये इंसान मेरे घर के बाहर क्यों खड़ा है. तो अब मेरा क्या जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसके पास जाके बोलूं ए यहाँ क्या कर रहे हो, इस तरह करके उससे बात करूं, या से बोलूं हाय मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, कहिए. दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं. तो वो दिस इज व्हाट जजमेंट इज अबाउट, कि आप अपनी जजमेंट पे एक्ट कैसे करते हो. उसके लिए सेल्फ चेक बहुत जरूरी है. जी, और मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ. ऑब्वियसली आप मन ही मन में कर लेते, आप किसी को बताते नहीं है, और जब आप बता देते तो लोग बोलते कि यार तो जज करता है, राइट? इट हैपेंस. फारूक खुद में कितना बदलाव देखा बचपन से अब तक, एज यू सेड अभी तो यू हैव चेंज्ड अ बिट, राइट? और यूट्यूब के बाद तो जिंदगी वैसे बदल जाती है, जब आप एक स्टार बन जाते हैं तो यू कैटर सो मेनी थिंग्स, पब्लिक लाइफ, पर्सनल लाइफ. आई डोंट थिंक आई एम अ स्टार एट ऑल. लीगली तो मेरी डेफिनेशन है सेलिब्रिटी की, anybody who has more than 30,000 followers on any social media is considered a celebrity. मुझे अभी कुछ दिनों पहले ही पता चला कि कोर्ट ने डिसाइड किया, ये ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने, कि जिसके भी 3,000 या 30,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, दे आर लीगली अ सेलिब्रिटी. बट आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ स्टार और सेलिब्रिटी ब्रो. दिस इज द रीजन वाई आई रिस्पॉन्ड टू एवरी सिंगल, और कोशिश करता हूँ रिस्पॉन्ड करने की, हर मैसेज जो मुझे आता है, चाहे अच्छा या बुरा. मैंने देखा बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं टू क्रिएट देयर ओन वैल्यू, कि मुझसे मैं जितना कम अवेलेबल हूंगा उतनी ज्यादा मेरी वैल्यू होगी, जो कि सच. अगर आप स्टार बनना चाह रहे हैं, सेलिब्रिटी बनना चाह रहे हैं, तो ये एडवाइस ले लें, जितना आप कम मिलेंगे लोगों को, जितना आप कम एक्सेस होगा आपके लिए, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी. इट्स ट्रू, बट आई डोंट फॉलो दैट रूल, क्योंकि मुझे स्टार या सेलिब्रिटी बनना नहीं है. मुझे बनना क्या है, जस्ट माई सेल्फ. आई वॉन्ट टू फाइंड द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. मेरा जिंदगी में गोल ये है, और वो गोल बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छे रास्ते पे. यस, आई हैव चेंज्ड अ लॉट फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू बी इन पाकिस्तान एंड व्हाट आई हैव बिकम to this day. Farooq of Pakistan wala Farooq jo hai wo aaj ke Farooq ko dekh ke bolega ki yaar tu bahut acha ban raha hai, right? Aur aaj wala Farooq jo hai wo Pakistan wale Farooq ko jab dekhega to bolega yaar tu bahut acha ban sakta hai. To ye do differences hain dono Farooq mein. Wow, matlab ki aapne dono Farooq ko manage kiya hua hai, bachpan wale ko bhi aur aaj wale ko bhi, right? Jaise maine bataya ki dil mein bachcha to rehta hi hai kahin na kahin, to aap hamesha jama rehte hain. Farooq, YouTube ka jab aap naam sunte hain, dimag mein kya kuch aata hai? Fun, comedy, music, culture, reach, connection, bahut sare words aate hain is tarah ke, kyunki YouTube ne yaar duniya badal di hai.
YouTube ne? YouTube is not just a website, man. Yes. YouTube is a phenomenon. और उस फिनोमेना पे मैंने अपना फिनोमेना क्रिएट किया जो कि पाकिस्तानी रिएक्ट के नाम से, जिसको अगर आप गूगल पे सर्च करें तो अब तो मेरी शक्ल तो आती भी नहीं है. देर आर सो मेनी पीपल यूजिंग दैट एग्जैक्ट कीवर्ड पाकिस्तानी रिएक्ट्स, विच इज फाइन. लाइक मैं ओनरशिप नहीं क्लेम करता उसकी, इट्स अ जेनेरिक टर्म आई गेस, बट आई वॉज द फर्स्ट वन टू कम अप विद इट. आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हू पुट इट आउट देयर कि देखो ये भी एक चीज है जो कि आपको देखने में शायद पसंद आए, शायद मजा आए. और शायद जब आप YouTube का नाम सुनते होंगे तो आपको दिमाग में आते होंगे 1 million views, 1.5 views. दो साल पहले की कुछ वीडियोस हैं और आज भी आप बाकमाल काम कर रहे हैं, राइट? व्यूज में देखता हूँ, 2 घंटे पहले और 2 घंटे में दुनिया बदल जाती है आपके व्यूअर्स की, राइट? मैं देखता हूँ कि एकदम से इतने, इट्स रीच, इट्स अबाउट द कॉन्टेंट यू आर डिलीवरिंग टू द पीपल. सो जब पहली बार 1 million हिट किया तो कैसे महसूस हुआ था, कैसी वो फीलिंग थी? क्योंकि जब आपको एक जॉब का ऑफर लेटर मिलता है ना पहली बार, तब बड़े खुश होते हैं. तो इस दुनिया में दिस इज द ऑफर लेटर यू आर हैविंग, राइट? 1 million हिट ऑन योर चैनल, ऑन योर, ये आपकी, आपका थप्पा है कि आप सही कर रहे हो जो कर रहे हो. यस, आपकी गारंटी है, आपको आपकी अप्रूवल है आपके लिए. हाँ, यू आर नॉट, आप हल्का काम नहीं कर रहे हो, आप कुछ होल काम नहीं कर रहे हो. लोग आपको देख रहे हैं, आपको अप्रूवल मिलता है लोगों का जब आपका चैनल 1 million व्यूज पे हिट करता है. तो मिलियन व्यूज का गेम ऐसा है कि मैं शुरू में जब आप नए यूट्यूब में जब घुसते हो तो आपको लगता है कि एक वीडियो पे 1 million व्यूज आएंगे, उस वक्त ऐसा लगता है कि कुछ हुआ, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. यूट्यूब पे जितनी वीडियोस आपकी आती हैं वो आहिस्ता आहिस्ते लोगों को दिखना शुरू होती हैं. एक दिन में सबको नहीं दिख सकती, दैट्स जस्ट इम्पॉसिबल. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कभी कभार महीने लग जाते हैं, कभी कभार एक साल लग जाता है एक वीडियो को हर किसी तक पहुंचने में. जब मेरे चैनल ने ओवरऑल 1 million व्यूज हिट किए थे, उस वक्त बड़ा अनबिलीवेबल मोमेंट था कि यार कैसे, यार that's insane, that's crazy. और अब वो मोमेंट बिल्कुल भी क्रेजी नहीं लगता है, क्योंकि अब मेरे चैनल पे, ओवरऑल चैनल पे सारी वीडियोस को मिला के हर महीने 3.4 से लेकर 4.3 मिलियन व्यूज आते हैं हर महीने फॉर द लास्ट 6 months. 6 महीने से पहले एवरेज जो था वो 2.8 मिलियन व्यूज था. तो इट्स ऑलवेज बिन ग्रोइंग ऑल्सो, इट नेवर वेंट डाउन. हमेशा से जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया ऊपर ही जा रहा है. इंस्टेंट रीच पे अलग रीजन होते हैं. कभी कभार कुछ वीडियोस 12 घंटे में सिर्फ 14,000 व्यूज लेके आती हैं, कभी कभार कुछ वीडियोस 12 घंटे में 30,000 व्यूज लेके आ जाती हैं. तो वो उसमें मैं YouTube को ज्यादा दोष देता हूँ या ब्लेम देता हूँ या कसूरवार ठहराता हूँ कि वो उस वीडियो को सही तरीके से पहुंचा नहीं पाते ऑडियंस तक. कभी कभार YouTube को भी पता होता है कि कौन सी ऑडियंस कौन सी वीडियो देखना चाहती है, तो वो उसको आगे नहीं करते. नॉट टू से कि मेरी हर वीडियो अच्छी है और वो हर बंदे को नजर आनी चाहिए. कभी कभार मेरी वीडियो में भी वो दम नहीं होता, तो YouTube को पता होता है कि वो वीडियो नहीं दिखानी है लोगों को, वो नहीं मजा पसंद आएगी लोगों को, लोग नहीं देखेंगे. तो एल्गोरिथम का भी बहुत बड़ा रोल होता है उसमें. बट द फर्स्ट टाइम जब मैंने 100 million व्यूज हिट किए थे ना यार मेरे चैनल में, वो मोमेंट मेरे लिए, असल में वो मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा था. उस मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं जो कर रहा हूँ उसके पीछे एक रियल सपोर्ट है आम लोगों का. मैंने आज तक अगर आप मेरी एक भी वीडियो उठा के देखें, 700+ वीडियोज है मेरी, आई हैव नेवर टेकन अ स्पॉन्सर. मैंने हेल्प की है फेलो यूट्यूबर्स की, पर मैंने आज तक अपना कोई भी कॉन्टेंट स्पॉन्सर्ड नहीं किया. ठीक है, कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे आके उनकी हेल्प की है उनको ग्रो करने के लिए, उन्होंने मुझे उसके बदले में हेल्प की है. दैट्स समथिंग एल्स, दैट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. बट आई हैव नेवर टेकन अ ब्रांड, आई हैव नेवर टेकन एनी मनी फ्रॉम एनी स्पॉन्सरशिप और ब्रांड और सेलिब्रिटी टू प्रमोट देयर स्टफ एंड देन उसके बदले मुझे पे मिले. और उसकी वजह से आई फील लाइक मेरी इंटेग्रिटी भी बहुत बनी है. जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, जो मुझे पेट्रियन पे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे यूट्यूब चैनल मेंबरशिप खरीदते हैं मेरी जस्ट टू सपोर्ट मी, मैं उनको देता नहीं उसके बदले कुछ. लोग पूछते हैं मुझसे कि आपको पेट्रियन पे लोग महीने के $3-3 क्यों देते हैं, $2-2 महीने के क्यों दे रहे हैं आपको लोग, आप क्या कर रहे हो ऐसा. मैं उनसे पूछता हूँ कि बिल्कुल सही सवाल है तुम्हारा, मेरा भी यही सवाल है कि मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा, क्यों मुझे सपोर्ट कर रहे हो. जब मैं उनसे पूछता हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं एक्चुअली, जो लोग एक्चुअली मंथली पे करते हैं मेरे पेट्रियन पे, मेरे यूट्यूब के चैनल मेंबरशिप पे, कि व्हाई डू यू गाइस डू इट, आप मुझे क्यों दे रहे हो ये पैसे, क्यों, आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, मैं कोई रैंडम पाकिस्तानी हूँ जो अमेरिका कैलिफोर्निया में बैठा हुआ है. तो वो कहते हैं कि हमें पता है कि तुम जो काम कर रहे हो उसके लिए टाइम चाहिए होता है, उसमें टाइम लगता है, और टाइम इज मनी इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, तो जस्ट सो यू फील एनकरेज्ड एंड यू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, वी जस्ट वांट टू सपोर्ट यू, दैट्स ऑल. कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, हमें रिटर्न मिल रहा था ऑलरेडी, रिटर्न तो पहले से मिल रहा था, अब हम तुम्हें पे कर रहे हैं उसका. कि हमारा जो टाइम जो गुजरता था तुम्हारे साथ वीडियोस देखे, ये दीज आर वर्ड्स ऑफ पीपल हु एक्चुअली सपोर्ट मी ऑन माय पेट्रियन. अगर आप मेरा पेट्रियन वेब पेज खोल के देखेंगे तो उस पर आपको नजर आएगा, अभी इस वक्त 13 या 13 के करीब हो गए, कम हो गए थोड़े से,
but I had 35 people at a time supporting me. And I never really offered anything in return. मैं कोशिश करता हूँ perks दूँ और early release कर दूँ video उनके लिए और ये वो, पर मैं actually कुछ return में देता नहीं हूँ और ना मैं promise करता हूँ कि मैं दूँगा. तो सिर्फ support और love है यार. Brilliant. और जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो उड़ान है वो आसमां की है, आपने हमेशा ग्रोथ ही की है और भगवान करे, अल्लाह करे आप उस ग्रोथ तक ही जाएं और हमेशा आसमान को छूते रहें, है ना. आपका हाथ आसमान से कभी नीचे ना आए, ना तो आप उसको छूते रहें. चीजों को मैनेज कैसे करते हैं, पर्सनल लाइफ भी है ना. यू माइट बी डूइंग अनदर जॉब राइट, और शूटिंग करना, एडिटिंग करना, तमाम और भी चीजें, उनका ध्यान कैसे रखते हैं. बहुत मुश्किल है यार. सी, जैसे कि मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि मेरा माइंड बहुत फ्लूइड है, यहाँ से वहां जाता है. तो इस तरह के इंसान के लिए मैनेजमेंट बहुत मुश्किल काम होता है. इवन दो मेरी प्रीवियस जॉब जो रही हैं, जो पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब जो रही हैं, वो मैनेजर सिचुएशन में ही रही हैं, मैनेजर पोजिशन में रही हैं, बट दैट्स मेनली बिकॉज आई एम गुड एट कंट्रोलिंग और सर्कमस्टांसेज और टॉकिंग टू पीपल और मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि क्या क्या जरूरत है क्या नहीं है चीजों की. तो वो रीजन रहे कि मैं मैनेजर बन पाया हूँ कहीं पे जाके. अदर देन दैट, एक्चुअल मैनेजमेंट जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है. मैं एक कैलेंडर नहीं बना सकता, मैं एक स्केड्यूल नहीं रख पाता. बहुत मुश्किल है मेरे लिए करना. कर तो लेता हूँ अपने आप को फोर्स करके, इट डजंट कम नेचुरली टू मी. इसी वजह से अक्सर होता है कि दो दो महीने तक मेरे चैनल पे वीडियो नहीं अपलोड होती कभी कभार. Okay. मैं किसी और चीज में बिजी हो जाता हूँ या मैं एक स्केड्यूल नहीं रख पाता हूँ कि हर रोज 9 बजे वीडियो आनी चाहिए. मैं नहीं कर पाता हूँ ये. तो मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है मेरे लिए. एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन कि मेरी ग्रोथ थोड़ी सी कम है या रुकी हुई है या स्टंटेड है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं आई एम नॉट अ गुड मैनेजर ऑफ माई ओन लाइफ. आई विश आई हैड अ मैनेजर दैट कैन मैनेज माई लाइफ. बहुत सारे लोग उसको कहते हैं कि शादी कर लो तो आपकी बीवी आपकी लाइफ जो है वो सुधार देगी आके, विच इज थोड़ा बहुत सच है, पर थोड़ा बहुत खराब भी है कि किसी और की जरूरत क्यों होती है आपको अपनी लाइफ से करने के. क्या आपको ऊपर वाले ने इतनी शऊर नहीं दिया? बट आई गेस नहीं दिया, तभी लोग अपनी बीवियों पर डिपेंड करते हैं कि यार प्लीज प्लीज मेरे लिए ये कर दिया करो या प्लीज मेरी इस तरह से मदद कर दिया करो. बिल्कुल. आई एम नॉट द बेस्ट जी, लेकिन स्टिल इट्स फाइन, आप कर लेते हैं अभी भी. और इतनी मैनेजमेंट ना होने के बावजूद यू आर डूइंग ग्रेट राइट. तो सोचा अगर मैनेजमेंट कर ली तो कहां जाओगे आप, आसमां को चीर कर. एग्जैक्टली. मुनावर फारूकी इज फॉलोइंग यू ऑन इंस्टाग्राम राइट, वो फीलिंग कैसी है? बिकॉज ही इज अगेन सच अ बिग नेम इन कॉमेडियन इंडस्ट्री, इज वेरी गुड कॉमेडियन राइट. तो कॉमेडियन इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जो आपको फॉलो करता है, तो वो फीलिंग कैसी है? इट्स अ गुड फीलिंग. मुनव्वर इज अ ब्रिलियंट गाय, लाइक मैं उसको प्यार से मोनी बोलता हूँ. मोनी बहुत ही, जिसे कहते हैं ना हीरा लड़का, जिसे कहते हैं जेम ऑफ अ पर्सन. उस बंदे की खूबसूरती मुंह पे तो बहुत है पर अंदर जितनी है ना, वो मैं दुआ करता हूँ रोज के पूरी दुनिया देख सके एक दिन. इंडिया तो देखता है और इंडिया उसको बहुत प्यार देता है. मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि उसको कितना प्यार मिलता है इंडिया में. उसको अपनाते हैं, उसको समझते हैं, उसको समझते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है, कि उसके इंटेंशन कैसे हैं. तो मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ यार मुनव्वर फारूकी के लिए. मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है उससे, पर मैं जितना प्राउड मुनव्वर के लिए फील करता हूँ उतने मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जो दुनिया में फील करते होंगे. आई फील वेरी प्राउड फॉर हिम एंड फॉर इंडिया फॉर पुटिंग हिम वेयर ही इज. मैंने तो उसको टाइटल भी दे दिया था कि इंडिया स्वीट हार्ट. मेरी नजर में मुनव्वर फारूकी इंडिया का स्वीट हार्ट है, जैसे जेनिफर एनिस्टन यहाँ अमेरिका की स्वीट हार्ट थी ना जब फ्रेंड्स चलता था यहाँ पे टीवी शो. इस तरह मुनव्वर फारूकी मेरी नजर में इंडिया का स्वीट हार्ट है, क्योंकि वो बच्चा बहुत टैलेंटेड बच्चा, बहुत बहुत क्रिएटिव बच्चा. उससे मैं जब इंस्टाग्राम पे बात करता हूँ ना यार कभी कभार मैसेजेस में, तो मुझे वन लाइनर्स लिख के भेजता है उसी वक्त मुझे हंसाने के लिए. और वो वन लाइनर्स इतने जीनियस होते हैं, इतने जीनियस होते हैं. और मैं अपनी आंखें मेरी ऐसी खुली होती कि यार तू तेरा दिमाग कितना, तुझे क्या दिमाग दिया ऊपर वाले ने यार. और मैं उससे बोलता हूँ कि यार आई एनवी यू ब्रो, क्या क्या दिमाग है तेरा. आई नेवर एनवीड हिम ऑनेस्टली, कभी मुझे उससे कोई एनवी नहीं हुई. जेलसी तो बहुत दूर की बात है, एनवी तक नहीं हुई मुझे उससे आज तक. मुझे ऐसा लगता है कि एक मेरा अपना छोटे भाई जैसा है, चाहे वो माने ना माने उसको, मैं उसको अपने छोटे भाई जैसा समझता हूँ. बट मुनव्वर फारूकी इज नॉट द ओनली पर्सन जिससे मेरी बात होती है. बिकॉज ऑफ माई यूट्यूब चैनल आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडियंस इन इंडिया. आई हैव गुड रिलेशनशिप्स विद देम, गुड communications with them. Likewise. And not all of them. I'm sure aapka to kaafi logon se connection hoga given your field of work. Par main kyunki again I don't really reach out to people. Mera reach out karne ka zariya sirf mera channel hai. Munawar se bhi jo mera pehla interaction hai wo meri video ke through hi hai. Maine uski video dekhi aur usne fir mujhe message kiya. Yes. Same goes for literally every single other comedian.
आई हैव नेवर सेंट अ मैसेज टू एनीबडी, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि मेरी जगह है कि मैं उनसे जाके बोलूँ कि हे भाई या हेलो भाई या हेलो सर या हेलो व्हाटएवर. मुझे लगता नहीं था कि मेरी वो औकात है या मेरी वो पोजीशन है कि मैं किसी को मैसेज करूँ कि ये उम्मीद करके वो मुझे रिप्लाई करेगा. मैं नहीं करता, ऐसा नहीं है कि किसी को भी मैसेज नहीं करता. मैं किया मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज और कुछ के जवाब आए भी हैं, कुछ के नहीं भी आए. पर जितने भी कॉमेडियंस हैं, आई फील लाइक कि मैं वेट करता हूँ कि वो अगर मुझे पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि उनको अगर लगता है कि उनको मुझसे कुछ कहने का है, तो मैं उनका वेट कर लेता हूँ कि वो मुझे मैसेज कर दें. तो आई थिंक जाकिर खान इज द ओनली कॉमेडियन इन इंडिया जिसको मैंने मैसेज किया था पहले, क्योंकि जाकिर भाई से एक अलग सा रिश्ता फील होता है क्योंकि वो हैं सेंट पॉल्स से. सेंट पॉल्स मेरा स्कूल था कराची में, सेंट पॉल्स उनका स्कूल था इंडोर में. उनकी लाइफ जो हिस्ट्री है बॉय स्कूल वाली, वही मेरी लाइफ हिस्ट्री है. उनकी जो घर पे जो कहानी है बाप के साथ रिलेशनशिप, वो सब वो भी मेरी कहानी है रिलेशनशिप वैसी ही. तो बहुत रिलेट करता हूँ मैं जाकिर भाई से. जाकिर भाई बोलता हूँ, वो भी मेरी एज का ही है. बट तो उस वो ही वाज द ओनली वन जिसको मैंने मैसेज किया था. बाकी अदर देन दैट ऑल द गाइस दैट आई हैव टॉक्ड टू, संदीप शर्मा हो गया, ब्रिलियंट कॉमेडियन. संदीप शर्मा इज वन ऑफ द फनीएस्ट माइंड्स इन इंडियन कॉमेडिक सीन. कुणाल हो गया, कुणाल को तो सब जानते हैं, दुनिया जानती है पूरी. कुणाल का तो नाम भी लेने की जरूरत नहीं मुझे. एंड दीज अदर गाइस, दे आर ऑल ब्रिलियंट ब्रिलियंट कॉमेडियंस. तो मुनव्वर स्पेशली, या इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग फॉर मी यार. एंड आई रियली वांट टू सेंड दिस मैसेज आउट कि अगर आप मुनव्वर फारूकी को नहीं जानते हैं तो प्लीज 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 गो फॉलो हिम, गो चेक आउट हिज कंटेंट. और उसके कंटेंट को बहुत खुले दिल और खुले दिमाग से सुनोगे ना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और आपकी जिंदगी एक और तरीके से बदल सकती है. अगर आप पाकिस्तानी रिएक्ट्स को यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो आप इनको भी जरूर पाएंगे और आपकी जिंदगी वैसे भी तब्दील हो सकती है. बिकॉज़ ही इज अगेन सो हार्ड एंड गुड, राइट? थैंक यू थैंक यू थैंक यू आदि, यू आर रियली नाइस. आपका कर देता हूं, ठीक हो गया. अच्छा, तारीफ की नहीं जाती है यार, तो बस थैंक यू. कोई बात नहीं, करनी चाहिए अपनी तारीफ भी. हां, सब करते हैं, मैंने नोट किया है. अच्छा, यूट्यूब की कल्चर को कितना बदलते देखा है? पाकिस्तान की कल्चर को आपने देखा है पास से, राइट? इंडिया यूट्यूब कल्चर को आपने देखा है पास से, स्पेशली कॉमेडियन थिंग्स यू हैव ऑब्जर्व्ड. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ देम, कितना कल्चर बदलते हुए देखा है आपने दोनों जहां में? बहुत यार, बहुत यार. अभी कल ही मैं देख रहा था एक यूट्यूब चैनल, पाकिस्तानी मीम क्रिएटर, एक मीम चैनल था जिसने नए मीम्स बनाए हुए थे पाकिस्तानी कॉन्टेंट पे. तो मेरा एक्सपोजर तो ज्यादातर इंडियन कॉन्टेंट से होता है क्योंकि मेरी ऑडियंस इंडियन है, वो डिमांड मुझसे इंडियन कंटेंट करते हैं, तो मैं ज्यादातर इंडियन कंटेंट देखना शुरू कर दिया मैंने. बट आई आल्सो लाइक टू कीप अप विद पाकिस्तानी कंटेंट. फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, पाकिस्तानी कंटेंट अपडेट बहुत कम होता है कंपेयर टू इंडियन कंटेंट. पॉपुलेशन का गेम है थोड़ा बहुत, इंडस्ट्री का भी गेम है. इंडस्ट्री काफी डेवलप्ड है इंडिया में, पीपल आर मोर यूज टू मीडिया देन पाकिस्तानी पीपल. पर अब वो कल्चर बहुत चेंज हो गया यूट्यूब की वजह से. कल मैं जब वो मीम चैनल देख रहा था, पाकिस्तान के एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, उसका नाम है मूरो. I don't know, आपने मूरो की वीडियोस देखी है कि नहीं देखी, but मूरो is one of the coolest content creators in the world. मैं पाकिस्तान से भी कहूँगा कि उसका content वाकई में पाकिस्तान से बाहर है, बहुत global level पे है, बहुत बहुत अच्छी art बनाता है वो बंदा. तो जब मैं उसके comment section में गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे at least मैंने 10 verified YouTube channels, पाकिस्तानी YouTube channels देखे, at least 10. And I was very pleasantly shocked कि यार वाह, जबरदस्त. मैं तो, मुझे तो लगता था मैं और 50 और लोग हैं जो पाकिस्तान से वेरिफाइड यूट्यूबर्स हैं, बट नाउ इट सीम्स लाइक देयर इज अ होल प्लेथोरा ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान. या एक पूरा एक यूनिवर्स बन गया पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का. इट्स अ वेलकम साइन, पर उसके साथ उसके मसले भी हैं, जैसे सेम गोज फॉर इंडिया टू. इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट देर आर सम यूट्यूबर्स जो कि वेरीफाइड यूट्यूबर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक भी हैं, जो कि उल्टी सीधी बातें करते हैं और नफरत फैलाने में ज्यादा फोकस करते हैं प्यार से. Same will happen with Pakistani YouTubers. 50 में से 10 जो हैं वो ऐसे निकलेंगे जो जिनके जिनकी mentality थोड़ी सी backwards होगी या जिनकी mentality थोड़ी सी वैसी होगी, तो वो तो होगा. But seeing that वो जो 50 का जो number है वो 50 से अब 500 हो गया है, that makes me feel happy. That makes me feel like a culture change हो रहा है, education आ रही है, awareness आ रही है लोगों में. अब एक बच्चा जो पाकिस्तान में, देखें पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम था पोलियो का, आज तक है पोलियो का प्रॉब्लम, राइट? आज तक इतने सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो सोचते हैं कि पोलियो कोई यहूदी साजिश है या उसकी वजह से कुछ कुछ इंजेक्शन देते हैं जिससे आपको कुछ हो जाएगा शायद, जो कि पूरी दुनिया ले चुकी है वो इंजेक्शन, पूरी दुनिया क्योर हो चुकी है. तो आप क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्योंकि आपको वो अवेयरनेस नहीं मिलती है, राइट? आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको यही बुलशिट सिखा रहे हैं. अगर वही बच्चा, वही टीनेजर अगर यूट्यूब खोल के देखता है कि पोलियो, और उसको एक वीडियो नजर आती है जिसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, जिसका यहूदियों से कोई लेना देना नहीं है, जो कि अमेरिका में है या स्विट्जरलैंड में है या नेपाल में है या कहीं और है, वो देखता है कि हाँ यार, पोलियो इज एक्चुअली अ रियल डिजीज और उसका इलाज ये ड्रॉप्स हैं.
तो उसके दिमाग में उस दिन वो बात समझ में आ जाएगी ना कि हाँ यार ये बुलशिट मुझे जो सिखा रहे हैं घर के बाहर, दैट्स नॉट ट्रू, मुझे पता चल गया कि पोलियो असल डिजीज है, उसकी उसकी इलाज इसी तरह होना है। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पोलियो की, इस तरह बहुत सारी चीजें, लड़कियों के हकूक हो गए, वुमेन्स फ्रीडम हो गई, सेफ्टी हो गई, बुलिंग हो गई, इस तरह के जितने टॉपिक्स हैं, सोशल टॉपिक्स हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी अवेयरनेस नहीं थी यार। आज से 20 साल पहले बुलीज को हीरो समझा जाता था, yes. है कि नहीं? आपके जितने फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स थे वो अचानक से गायब क्यों हो गए इस दुनिया से, कभी सोचा किसी ने? इतने बड़े बड़े एक्टर्स, इतने बड़े बड़े नाम होते थे, अब उनको कोई मानता नहीं, उनको कोई सोचता नहीं है। ब्रैड पिट से लेकर, ब्रैड पिट तो अच्छा आदमी है बट देर आर अदर पीपल जो कि बहुत फेमस थे, राइट? और अब उनको कोई घास भी नहीं डालता है। क्यों? क्योंकि उनकी असलियतें बाहर आना शुरू हो गई, क्योंकि नई जनरेशन ने, इंटरनेट जनरेशन ने उनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया कि ये अच्छा आदमी नहीं है भाई, उसको हम अच्छा आदमी समझते थे, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये ऐसे काम करता है पीठ पीछे। और कोई बोलता नहीं था क्योंकि हम सब डरते थे कि किसको बोलेंगे। अब वो डर खत्म हो गया क्योंकि आप ऑनलाइन आके बोल सकते हो बातें, और कोई आपका बाल नहीं बागा कर सकता। अब बिकॉज ऑफ यूट्यूब, बिकॉज ऑफ दिस दिस होल कल्चर, कल्चर चेंज हो गया, एंड आई वेलकम इट, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। बिल्कुल सही कहा आपने फरुख, आपने काफी सारी चीजों के बारे में बात की, इतनी तारीफ हमने यूट्यूब की बटोर ली है। एक चीज जो यूट्यूब के बारे में आपको अच्छी नहीं लगती? यार वो यूट्यूब खुद है, यूट्यूब की जो मैनेजमेंट है, यूट्यूब जो लोग चला रहे हैं वो, नॉट टू गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग, वो लोग काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका काम बहुत मुश्किल है। उनका काम इतना मुश्किल है कि इंसान समझ भी नहीं सकता मेरे ख्याल से। तो मुझे तो लगता है ये एलियन टेक्नोलॉजी है जो आके इस तरह संभाल रही है इन चीजों, इंसानों के बस की बात भी नहीं है मुझे लगता है। बट क्योंकि इतना मुश्किल काम है तो उसमें कुछ फ्लॉज भी हैं। यूट्यूब जो है कंपेयर टू अदर सोशल मीडिया बहुत अच्छी जॉब करता है टू कंट्रोल हेटरेड, टू कंट्रोल नेगेटिविटी। यूट्यूब पे नेगेटिविटी कम होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, यूट्यूब बहुत क्रैक डाउन करता है। तो मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा कि वो बुरा काम करते हैं, कंपेयर टू फेसबुक, कंपेयर टू इवन ट्विटर और अदर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम काफी अच्छा है वैसे। यूट्यूब जो है बहुत कोशिश करता है कि नेगेटिविटी को बंद करे, फेक न्यूज को दबा के रखे, ज्यादा ना फैलने दे, वो सब ठीक है। पर यूट्यूब जो है अपने क्रिएटर्स को सपोर्ट करने में काफी पीछे रह जाता है कभी कभार, अपने क्रिएटर्स को ऊपर करने में या आगे आगे धकेलने में थोड़ा पीछे रह जाता है कभी कभार। अब उसमें उनकी गलती नहीं है, millions and millions of creators out there, right? तो हर किसी एक इंडिविजुअल के साथ तो जस्टिस नहीं हो पाएगा, ये तो मैं समझता हूँ। कुछ लोगों के साथ हो पाएगा, कुछ लोग बेचारे रह जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे ये तो दस्तूर है ज़िंदगी का। जी फारूक, अपने चैनल के अलावा, अपने कंटेंट के अलावा, आप YouTube पे एक ऐसी चीज जो अभी भी करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर हैविंग योर ओन चैनल, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम दिस चैनल, क्या एक अलग चीज आप YouTube पे अभी भी करना चाहते हैं? यार जैसे मैंने तुम्हें कहा था, अगेन गोइंग बैक टू सर्कलिंग बैक टू माय अर्ली डेज, टीनेज डेज, मुझे व्लॉगिंग का शुरू से एक पैशन था, शुरू से एक शौक था कि रिकॉर्डिंग माय डेली लाइफ, क्योंकि मेरी डेली लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग होती थी, मैं चाहता था दुनिया देखे कि मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ, पाकिस्तान में रहते हुए, कराची में रहते हुए, देखो मैं कितना मजा कर रहा हूँ, मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, मेरे दोस्त देखो कितनी मस्तियां कर रहे हैं, मैं दिखाना चाहता था ये लोगों को। उस वक्त तो नहीं दिखा पाया, अब जब अपॉर्चुनिटी आई, यूट्यूब आया, पैसे आए कि मैं कैमरा खरीद सकता हूँ, रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ, जब अपॉर्चुनिटी आई तो अब मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ तो वो मिक्सचर बन नहीं पाएगा अभी। तो आज तक मेरा एम तो रहा है व्लॉग्स बनाने का, व्लॉगिंग करने का, डेली व्लॉग्स या वीकली व्लॉग्स, बट नाउ दैट आई लिव हियर इन यूएसए, मेरी लाइफ उतनी इंटरेस्टिंग रही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली आई रिग्रेट टू रिपोर्ट कि वो लाइफ में वो मजा, वो फन वैसा रहा नहीं है। लाइफ इज गुड, कंप्लेन्स नहीं कर रहा हूँ, पर वो दोस्ती यारी नहीं रही, वो मस्ती नहीं रही, वो मजा नहीं रहा। क्योंकि जब आप पाकिस्तान में होते हो, जब आप अपने होम कंट्री में होते हो, तो आपको ज्यादा चीजों की टेंशन नहीं होती है। आप ये नहीं सोचते कि यार मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास अगर लाइसेंस नहीं है तो मुझे कोई पकड़ तो नहीं लेगा। अपने मुल्क में हो यार, क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, फाइन देगा ज्यादा से ज्यादा, कोई बात नहीं, राइट? आपको टेंशन नहीं होती कि मुझे कल रेंट भरना है कि नहीं भरना, बिजली का बिल भरना है कि नहीं भरना, बाप का घर है, बाप संभाल लेगा। अगर आप खुशकिस्मत थे कि आपके माँ बाप के पास ये सब चीजें थी, जो कि मोस्टली होती हैं अपने होम कंट्री में, पर आप जब दूसरे मुल्क आते हो तो फिर आप अकेले होते हो, और अकेले में होता यह कि फन खत्म हो जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सर के ऊपर चली जाती है। तो अब इसी वजह से मैं व्लॉगिंग में कभी घुस नहीं पाया, कर नहीं पाया, क्योंकि वो लाइफ में वो मजा नहीं है, वो इंटरेस्टिंग क्या दिखाऊंगा लोगों को कि मैं सुबह 9 बजे उठ के पुशअप्स करता हूँ, ये दिखाऊंगा? तो वो तो 17 लोग और दिखा रहे हैं ऑलरेडी, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो दिस इज द वन थिंग दैट आई वुड स्टिल वांट टू डू ऑन यूट्यूब इज क्रिएट व्लॉग्स एंड शो हाउ टू लिव लाइफ लाइक मी।
वाह, मतलब कि मैं इंतजार करूंगा जो उनसे भी साल में, जो उनसे भी सदी में आप शुरुआत करेंगे उस कंटेंट को लेकर, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। बट आई गेस आप कर सकते हैं, हिम्मत तो जज्बा आप में है, हौसला। बिल्कुल, एक दिन पहुंचेंगे उस लेवल पे जब ये, बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद तो है, इरादा तो है। मे बी पाकिस्तान जाना पड़ेगा उसके लिए, मे बी यहीं पे, बट वन डे और अनदर आई विल गेट इनटू इट। अब बात मैं कुछ इंडियन कल्चर की करना चाहूंगा। यू must be interested in Indian movies, right? कौन-कौन सी movies आप देखना पसंद करते हैं, be it पाकिस्तानी और इंडियन? ड्रामा की मैं बात करना चाहूंगा, कंटेंट को लेकर कुछ चीजें जो आप ऑब्जर्व करते हैं इंडियन सिनेमा में। तो जब इंडिया में कुछ नया आता था ना, उस वक्त मेरे सेंसेस ऐसे होते, उस वक्त मैं फैन बॉय हो जाता था। तो मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें एक मूवी की, वो मूवी थी पेज 3 थी, मैं नाम भूल गया, पेज 3 नाम था उस मूवी का, 2005 की वो मूवी है। पेज 3, तो वो मूवी बहुत यूनिक थी उस वक्त इंडिया के हिसाब से, एंड आई वाज लाइक यस दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, डोंट डू द सेम ऐश्वर्या राय मैं आपको बताने वाली थी आई एम सिक ऑफ दैट शिट, कि लड़का है लड़की है, उसको प्यार हो गया, उसका दिल टूट गया, फिर दोबारा साथ, वही चीजें आई जा रही थी 90s से लेकर 2000s तक। फिर जब इस तरह की मूवीज आना शुरू हुई, अब तक 56 टाइप की मूवीज, स्वदेश टाइप की फिल्में, इस तरह की जब मूवीज आई, तो फिर मेरा इंडियन सिनेमा से प्यार दोबारा जागा, कि हाँ ये दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, दिस इज द आर्ट आई एम सर्चिंग फॉर। तो उस पे मेरा जो है दोबारा पैशन जागा इंडिया के लिए, हाँ दिस इज द सिनेमा आई वांट टू सी। बिल्कुल, और पंजाबी कल्चर की मैं बात करूं, पंजाबी सिनेमा में आप इंटरेस्ट रखते होंगे, राइट? आप पंजाब दे विच आ, साडा रेडियो पंजाब है, ते पंजाब दी गल्लां भी कर लेंदे नाल दे नाल ही, ते किस तरीके दी मूवीज तुसी वेखदे हो पंजाब दे विच, बॉलीवुड दी मैं गल करा, चाहे वो पाकिस्तानी होए चाहे इंडियन होए? देखिए मैं आपको सच बताऊंगा, पंजाबी कंटेंट से मेरा इतना ज्यादा क्लोज रिश्ता नहीं रहा जितना पंजाबी लोगों से रहा है। मेरा बेस्ट फ्रेंड बचपन से पंजाबी है, मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स पंजाबी रहे, मेरी लाहौर से सच्ची, एक सियालकोट से एक लाहौर से, ओके, मेरी जो गर्लफ्रेंड रही है पहली सच्ची गर्लफ्रेंड जो जिंदगी की थी वो भी पंजाबी थी। तो पाकिस्तान में दो तरह की गर्लफ्रेंड्स बनती हैं आपकी यार जिंदगी में, एक सच्ची और एक नकली। Okay. नकली वाली ऐसा नहीं कि वो होती नहीं है, वो होती है, पर उससे आप कभी मिले नहीं होते हो जिंदगी में। उससे आपने सिर्फ फोन पे बात की होती है या मैसेज पे बात की होती है, दूर दूर से देख के हाथ हिलाया होता है, okay. हेलो, दूर से नजर आती है वो आपको, क्योंकि पाकिस्तान में डेटिंग कल्चर इतना कॉमन नहीं था जब मैं बड़ा हुआ था, तो इसी तरह की डेटिंग होती थी हमारी, फोन पे बात कर ली, दूर से हाथ हिला दिया, या कभी हाथ मिला लिया तो बहुत बड़ी बात थी। फिर जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो तो फिर आपके अंदर थोड़ी हिम्मत आती है, फिर आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, तो फिर आपकी असली गर्लफ्रेंड बनती है, जिससे आप एक्चुअली मिलते हो, बात करते हो, बैठते हो, फिल्म देखने जाते हो या खाना खाते हो, जो भी व्हाटएवर इंटेल्स इन अ रिलेशनशिप। तो मेरा कनेक्शन जो पंजाबियों से रहा है यार, वो ये रहा है कि इन पर्सन जो है ना, मेरा लव, मेरा दिल जो है वो हमेशा अट्रैक्ट होता है, क्या कहते हैं उसको, हाँ उसी तरफ घूमते हुए, कहीं मैं अपना रास्ता ऐसे बना लूंगा ना, अचानक से यहाँ एक पंजाबी खड़ा होगा ना जो मुझे अच्छा लगता है, मेरा रास्ता खुद ही घूम के ऐसे उस तरफ चला जाता है। तो कंटेंट वाइज आई हैवंट बीन फैमिलियर विद मच, मैंने पंजाबी मूवीज नहीं देखी ज्यादा, मैंने पंजाबी गाने सुने, बट वो तो आप मर्जी हो या ना हो आपको सुनने को मिल जाते हैं, यू कैन नॉट अवॉइड दैट, पंजाबी म्यूजिक इज लाइक, देखा आपने ये, तो आप अवॉइड नहीं कर सकते उस चीज को, चाहे आप कोशिश भी कर लो ना, आप भाग नहीं सकते। पंजाबी म्यूजिक इज वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट वाइब म्यूजिक, पार्टी म्यूजिक, क्या कहते हैं उसको, जिंदा दिल, जिंदा दिलाना म्यूजिक जिसे कहते हैं, दिल खुश करने म्यूजिक को, तो म्यूजिक पे तो मैं कभी क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता बैठ के। पाकिस्तान में मेरे दोस्तों ने मिलके एक बैंड बनाया था म्यूजिक का, दे यूज्ड टू प्ले अल्टरनेट रॉक, और हम जब जाते थे कहीं पे, किसी को पता चलता था कि हमारा बैंड है, सब लोग कराची में खासतौर पर सब ये कहते थे कि यार पंजाबी में गाना नहीं आपका कोई, पंजाबी में भी तो करो कोई गाना, हिट नहीं होना, क्या हिट नहीं होना, हिट होना तो पंजाबी में गाना बनाओ एक, देखो फिर क्या होता है। तो ये लेवल है पंजाबी कंटेंट का, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का, पंजाबी वीडियो इंडस्ट्री आई डोंट नो मच अबाउट, आई एम गोना कन्फेस, मैं इतना ज्यादा फैमिलियर नहीं हूँ। ओनली पंजाबी मुझे याद आ रही है वो मैं पंजाब नहीं जाऊंगी इज अ पाकिस्तानी मूवी मैंने देखी है, दैट्स प्रीटी मच या द लास्ट आई कैन रिमेम्बर। बिल्कुल, आपने सॉन्ग्स की बात की, तो टॉप 3 सॉन्ग्स जो आपके प्लेलिस्ट में है, हिंदी हो सकते हैं, वो पंजाबी हो सकते हैं, इंग्लिश को हम काउंट नहीं करेंगे, इंग्लिश को। ओके, अंग्रेजों ने वैसे ही हमारी बहुत अटेंशन ले ली, अब उनको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। यस यार, बहुत हैं यार, इस तरह मैं टॉप 3 तो नहीं कर सकता, बहुत अनफेयर होगा मुझ जैसे इंसान के लिए, मेरी जिंदगी गुजरी ही कंटेंट कंज्यूम करने में, मैं तो सिर्फ बड़ा ही चीजें देख देख के अब्सॉर्ब कर गई हूं। ठीक है, जो याद आ रहा है वो बता सकते हैं।
यार देखो मुझे मेरी इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन तो नहीं बट समथिंग दैट रियली मेड मी फील प्राउड ऑफ पंजाबी वाज बोहेमिया. ओके बोहेमिया. मैं लेकिन मैं अभी थोड़ा मॉडर्न टाइम पे आऊंगा नुसरत बाबा को मैं एंड पे रहूंगा. नंबर वन होता है सबसे आखिर में सबसे टॉप आता है. तो शुरू मैं करूंगा बोहेमिया से क्योंकि बोहेमिया ने एक चीज की थी जो कि उस वक्त सुनी नहीं थी किसी ने. जब उनके नए नए गाने आए थे पंजाबी रैप जो उन्होंने किया था पंजाबी रैप उससे पहले मैंने तो नहीं सुना था किसी को करते हुए. शायद पाकिस्तान में एक फखरे आलम नाम का एक आर्टिस्ट होता था जिसने थोड़ा बहुत उर्दू रैप किया था उसमें थोड़ी सी पंजाबी भी डाल देता था. अगर आपको कभी मौका मिले तो आप सुनिएगा फखरे आलम. तो वो थोड़ा सा मुंडे हो ते कुड़ी हो ते बंगड़ा पाओ ये उसका गाना था जब मैं बहुत छोटा था उस वक्त का. बट बिसाइड्स दैट बोहेमिया वाज द फर्स्ट वन. उसके बाद यार पंजाबी की पंजाब की जहां तक बात आती है तो अभी मॉडर्न टाइम्स में देर आर मेनी आर्टिस्ट. सिद्धू मूसवाला हो गया ब्रिलियंट गिफ्टेड पर्सनैलिटी ऊपर वाले की तरफ से गिफ्टेड आवाज है वन इन अ मिलियन आवाज जिसे कहते हैं वो वाली आवाज है उनकी. और ऑफकोर्स यार वेन इट कम्स टू लाइक द ओजी एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल बाबा नुसरत फतेह अली खान साहब. उन्होंने जो किया है म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए उन्होंने जो किया है पंजाबियों के लिए पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए और इन जनरल जस्ट म्यूजिक के लिए. क्योंकि यार वो आदमी सिर्फ वो इंसान वो शख्सियत सिर्फ पाकिस्तान में मशहूर नहीं थे सिर्फ इंडिया में मशहूर नहीं थे. अमेरिकन्स मैडोना पिंक फ्लॉयड का गिटारिस्ट क्या नाम था उस आदमी का भूल गया मैं जॉर्ज तो ये लोग आके उनके साथ आके उनके उनके आगे उनके पैरों में आके बैठते थे कि सर हमें बताएं आप कैसे करते हैं जो करते हैं कि हम आपके साथ म्यूजिक कर सकते हैं. तो मुझे एक बड़ी फेमस कहावत याद है पाकिस्तान में बहुत मशहूर है कि जब मैडोना ने मुलाकात की थी नुसरत अली खान से मिली थी आके उनसे और उनके साथ बैठ के बात करके फिर जब गई थी तो किसी जर्नलिस्ट ने बाबा से पूछा था नुसरत अली खान से पूछा था कि बाबा जी कैसा लगता है आपको कैसा गाती है मैडोना. अब ये मैडोना है उस जमाने की टॉप सिंगर उस जमाने की. तो उस जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या लगता है आपको कैसा गाती है. तो नुसरत अली खान का जवाब था गा लेती है. गा लेती है और क्या जवाब था राइट. क्योंकि बाबा के लेवल पे आप कहां मैडोना कहां मैडोना कहां नुसरत अली खान. तो उनका इतना बड़ा दिल था कि उन्होंने कह दिया कि गा लेती है. फारूक एक छोटा सा मैसेज उन तमाम लोगों के लिए जो आपको सुन रहे हैं और जो यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं आपकी तरह नाम करना चाहते हैं पहचान बनाना चाहते हैं शोहरत दौलत पाना चाहते हैं देश का नाम रोशन करना चाहते हैं. थैंक यू सबसे पहले तो जो लोग ऑलरेडी मुझे सपोर्ट करते हैं देखते हैं चैनल मेरा. मेरी पंजाब में व्यूअरशिप काफी है दिल्ली साइड पे भी है बट पंजाब अमृतसर साइड पे भी काफी है. सरप्राइजिंगली मैं पंजाबी में बात नहीं करता हूँ ज्यादा बट पीपल रियली डू शो मी लव फ्रॉम दैट साइड. तो शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत इस बंदे को सपोर्ट करने का. मैं अक्सर फिल्टर नहीं कर पाता हूँ अपनी बातों को जो दिल में आता है वो कह देता हूँ बगैर सोचे समझे कभी कभार कि कैसा लगेगा अगले को सुन के. पर मेरा उसके पीछे रीजन ये होता है कि जो भी सुनेगा शायद शुरू में गुस्सा करे पर मे भी अगले दिन वो दोबारा सोचेगा उस बारे में कि उसने बोला क्यों ऐसा आया और मे भी उनको समझ में आएगा कि मैंने क्यों बोला जो बोला. एक और मैसेज ये है कि जो लोग चाहते हैं वो करना जो मैं करता हूँ थिंक मोर डू लेस. जब आपने थिंक कर लिया बहुत सारा सोच लिया है बहुत सारा उसके बाद थिंक लेस डू मोर. तो इट्स नॉट वन थिंग. नेवर बिलीव इन एक्सट्रीम्स. कोई भी काम एक्सट्रीम पे जाके नहीं हो सकता सही से हो जाएगा और फिर टूट जाएगा अगर एक्सट्रीम पे जाएगा तो. ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है. पॉइंट ये कि अगर आप अच्छे एम्प्लॉय बनना चाहते हो तो आप एक्सट्रीम पे मत जाने की कोशिश करो हमेशा अपने आप को नीचे रखो. तो सोचो बहुत सारा सोचो सोचते रहो सोच सोच के जब थक जाओ फिर करो फिर सोचो मत फिर करना शुरू करो. तो मैंने भी 1.5 साल लिया था 1.5 साल लगा मुझे सोचने में सिर्फ कि मैं करूंगा क्या यूट्यूब पे. मैं यहाँ अमेरिका में पिज्जा डिलीवरी की नौकरी करता था अपने अंकल के लिए. कोई मुझे अयाशी नहीं मिली हुई थी कोई मुझे बड़ी जॉब नहीं मिली हुई थी क्योंकि मेरा अंकल अमीर आदमी है तो मुझे कुछ मिल जाएगा नहीं. उसने मुझे वैसे ही रखा जैसे वो अपने हर किसी डिलीवर ड्राइवर को रखता था. मैंने कोई स्पेशल तो उन 1.5 साल मैंने सिर्फ बैठ के रोजाना घर आके सोचता था यार क्या करूंगा मैं यूट्यूब पे. मुझे करना तो यूट्यूब पे है कुछ मेरा पैशन तो वीडियो है मेरा पैशन है ये बनाना कंटेंट. क्या करूंगा रोज आके देखता था कंटेंट रोज आके सोचता था रोज आइडियाज बनाने की कोशिश करता था रोज बैठ के कुछ ना कुछ टिंकरिंग करता था कि आज इंट्रो बनाता हूँ किसी चीज का. फिर एक दिन आइडिया क्लिक किया एक दिन अचानक से लाइट जली दिमाग में कि यार पाकिस्तानी रिएक्शन क्यों नहीं बना रहा मैं. यू नो इतने सारे इंडियन लोग हैं जो देखना चाहते हैं रिएक्शन
कोई पाकिस्तानी उनको नहीं बता रहा कि वो कैसा फील करता है उनकी चीजों के बारे में। तो मैं बताता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। बिल्कुल। उस दिन जब आइडिया आया फिर मैंने सोचना बंद कर दिया। अब मैं सोचता नहीं था, अब मैं सिर्फ कर रहा था, अब मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा था, रिव्यू कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था, अब मैं सिर्फ कर रहा था। और वो दिन आज का दिन है, मैंने सोचना बंद कर दिया, मैं कर ही जा रहा हूँ। तो अब ये मेरे लिए भी लेसन है और आप लोगों के लिए भी लेसन है कि अब मैं किस पे पहुंच रहा हूँ, अपने उस एक्सट्रीम वाले लेवल पे पहुंच रहा हूँ करने के, कि मैं कर ही जा रहा हूँ, कर ही जा रहा हूँ, सोच नहीं रहा हूँ, कर ही जा रहा हूँ, कर ही जा रहा हूँ, तब वो टूटने वाले लेवल पे पहुंच सकता है। तो अब मेरा दोबारा टाइम आ गया सोचने का, करना कम, सोचना ज्यादा, कि व्हाट्स न्यू, व्हाट्स नेक्स्ट। तो ये जो पिछले 3 मिनट जो मैंने बकवास किए ना, अगर आप इसको दोबारा 3-4 दफा रिपीट करके सुनेंगे तो इट विल स्टार्ट टू मेक सेंस। एक दफा में सुन के शायद लगेगा ये क्या बुलशिट है, पर अगर आप 2-3 दफा सुनेंगे इस पिछले 3 मिनट को, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन लाइफ। और जो आपने सोच की बात की है, सोच में मुझे याद आया कि सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए बताना चला, राइट? तो आप एक नॉर्मल फरूक से एक स्टार फरूक भी बन गए, राइट? तो एक पूरी जिंदगी बदलती हुई देखी है। बहरहाल, रेडियो पंजाब आपके सामने, मैं आपसे आदि यानी आरजे आदि आपसे बातचीत की, हमने मजीद मसलों में बातचीत की जो मौजूद हैं, राइट? और तमाम चीजें डिस्कस की यूट्यूब के बारे में। कैसा महसूस हुआ, कैसी फीलिंग है बीइंग विद इंडियन? अभी आप मुझे रिव्यू कर सकते हैं आफ्टरवर्ड्स। आदि, मैंने तुम्हारा शो थोड़ा बहुत देखा फेसबुक पे, जो आपकी प्रीवियस वीडियोस हैं वो मैंने देखी, इंटरव्यूज देखे। आई वॉन्ट टू से कि यार, यू रियली हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ यू, ठीक है? आई डोंट नो आपकी एज क्या है, यू आर वेरी यंग कंपेयर टू मी एंड अदर पीपल आउट देयर इन द इंडस्ट्री। एंड अभी लाइक जो पिछले अभी 2-3 मिनट पहले जो मैंने एडवाइस दी, करना और सोचने की जो एक एडवाइस है, आप भी मेरी तरह भी करने वाले स्टेज पे चल रहे हो, फुल पावर के साथ, फुल पावर के साथ आप लगे हुए हो, करे जा रहे हो। या यू डू द थिंकिंग पार्ट, साथ में वो हमेशा इन्वॉल्व होता है, पर आपने करना छोड़ के थिंकिंग पे नहीं लगे हो, अभी आप थिंकिंग को थोड़ा पीछे रखे करने में लगे हो, कि बस वर्क 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 वर्क। एंड आई थिंक यू आर बिल्डिंग लैडर फॉर योरसेल्फ, विच इज अ ब्रिलियंट वे टू डू थिंग्स इन लाइफ। अगर लोग देखना चाहते हैं कि अपना करियर कैसे बनाना है, अपने आप को सक्सेसफुल कैसे करना है जिंदगी में, एक रात में कोई सक्सेसफुल नहीं होता कभी भी। बुमन ईरानी को भी 50 साल लग गए थे अच्छा एक्टर बनने में, अपना पहला रोल अच्छा लेने में। बुमन ईरानी कितना अच्छा एक्टर है, 50 साल लग गए उस आदमी को, 50 साल कितना बड़ा टाइम है यार, 50 साल बहुत बड़ा। लोग मर के चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं इस टाइम में। सही। तो डू व्हाट आदि इज डूइंग, डू व्हाट आई एम डूइंग, बिल्ड 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 एवरी डे। रोजाना बनाओ चीजें, रोजाना बिल्ड करो। जब आप बिल्ड करते हो तो एक चीज बिल्ड होती है, उसके ऊपर एक और चीज बिल्ड होती है, उसके ऊपर एक और चीज बिल्ड होती है, और इस तरह कुछ चढ़ने को है आपके ऊपर, ऊपर जाने के लिए। तो यू आदि आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। उसके बाद दूसरी चीज ये कि तुम्हारा जो नेचर है कॉन्टेंट का, जो तुम्हारा क्या कहेंगे उसको, जो सोल है आपके कॉन्टेंट की, वो इतनी अच्छी जगह से आ रही है कि आप कैसे उसको पसंद नहीं कर सकते, कैसे उसको आप प्यार नहीं कर सकते, राइट? उसका जो पर्पस जो है कि आप लोगों को मिलाने की कोशिश में लगे हो, और ऐसे नहीं कि पूजा नगर के लोगों को फरुख नगर के लोगों से, नहीं, आप पाकिस्तान के लोगों को इंडिया के लोगों से मिलाने में लगे हो। ये स्ट्रगल मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं ये पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। इंशाल्लाह तमाम चीजें जरूर होंगी, अल्लाह सुनेगा हमारी, भगवान सुनेगा हमारी, राइट? हर एक वो शख्स जो जुड़ना चाहता है वो जुड़ ही जाएगा किसी ना किसी तरह, वो जुड़ ही जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकेगा। फिर मतलब कि काफी सारी चीजें बचपन की याद भी आई होंगी आपको, वो तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं दब गई थी, राइट? आई डू दिल दिया गल्ला, तो ये दिल दिया गल्ला क्रॉस बॉर्डर टॉक्स वी हैड, राइट? नॉट इवन ऑफ पाकिस्तान ओनली, इट वॉज अबाउट यूएसए एज वेल। तो वो फीलिंग कैसी थी, बचपन की यादों को फिर से जीना? यार अच्छी फीलिंग थी, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया था। There are so many things that happen in life, यार आप हर चीज को तो address नहीं कर सकते, but yeah, just telling you my बचपन की stories, it felt like I don't know, कुछ अच्छी feelings भी आई, कुछ sad feelings भी आई। क्योंकि होता है यार, जब आप बचपन के बारे में सोचते हो तो फिर आप बचपन के लोगों के बारे में सोचते हो, और बहुत सारे लोग होते हैं जो आप इस दुनिया में नहीं रहे, जो आपके साथ नहीं रहे, तो उनकी भी याद आ जाती है उसकी वजह से। तो it's a happy, it's a bitter sweet feeling, nostalgia बड़ी bitter sweet चीज होती है, अच्छा भी फील कराती है फिर थोड़ा बुरा भी फील कराती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फारूक बीइंग विद अस, टॉकिंग टू अस, यू वेलकम, अबाउट पाकिस्तान, यूएसए, इंडिया, यूट्यूब कंटेंट एंड योर बचपन की यादें, शरारतें, वी हैड अ ग्रेट टाइम, राइट? सुनते रहो रेडियो पंजाब, टशन पंजाबी, जशन पंजाबी। तुसी सुन रहे हो दिल दियां गल्लां, दिल दियां गल्लां, आरजे आदि दे नाल।